लाल किले पर तिरंगा लगाने से आजादी नहीं मिलती। आज रेलवे के परीक्षा देने आए बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्रों को भूमिपुत्र के मसले पर छात्र दल वालों ने जमकर पिटाई की। छात्र दल के नेता राज ठाकरे का कहना है कि रेलवे परीक्षाओं में धांधली की जा रही है और बिहार से भारी संख्या में छात्र आ रहे हैं। राज ठाकरे का यह भी कहना है कि आखिर निकम्मी बिहार सरकार अपने लोगों के लिए रोजगार का साधन क्यों नहीं निकालते। आज सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर बिहार से निकलता है। कहाँ है वो लोग? दिल्ली में बैठने वाले बाबू लोग तो हम लोग का नाम ही धर दिया बीमारू। यूपी बिहार दोनों को बीमारू बना दिया गया है। पैसा नहीं कमाओगे तो इस घर में अब नहीं रह सकते हो। बस दिल्ली बंबई जाके तरकारी बेचेगा, टेम्पो चलाएगा। हमारे युवा तो बाहर जाते हैं लेकिन लौट कर नहीं आते। आना तो छोड़िए, बाहर जाकर बोलते भी नहीं है कि हम बिहार से हैं। ये लाला बाबन जादव कुर्मी भूमियारा राजपूत की लड़ाई में देख रहे हैं ना आपका हाल भी क्या है। संविधान बनाने वाले लोग अलग थे और इसको चलाने वाला अलग है। यहाँ तो फिरौती बटोर बटोर के अपना दिक्कत दूर कर रहा है सब। तुम एक बार कह रहे थे ना मैंने अपहरण करके बहुत पैसा आ सकता है। प्लान बनाना पड़ेगा। ऐसा प्लान कि सारा काम एक बार में हो जाए और किसी को पता भी नहीं चले। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। नाम बिहार और झारखंड में हमले की आशंका। अरे बाप रे बाप। बक्सर के बाद कौन सा बड़ा स्टेशन है? मुगल सराय। पटना से लेना पड़ेगा। कहे? मुगल सराय यूपी और बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है, वहाँ कड़ा इंतजाम हो सकता है। पैसा भाई तुम्हें दे सकता है। तुमको तो आईएएस ऑफिसर बनना था, अब क्या हो गया? 8 करोड़ जनता का नेतृत्व ऐसे इंसान के हाथ में दे दिया गया है जिसको ठीक से कलम भी पकड़ना नहीं आता है। इन क्रांति की कविताओं से पेट नहीं भरता। आदमी को मारने का सामान इतना महंगा और साला जिंदगी इतना सस्ता। यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं है? बदलेगा एक दिन।